हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द थर्स्ट मूवी को। फिल्म की शुरुआत में हमें एक रेगिस्तान दिखाया जाता है, जहां एक आदमी आकर रेगिस्तान में गिरता है। वह जानता भी नहीं कि वह वहां कैसे आया और उसके मुंह में काफ़ी रेत घुसी हुई है। वह आदमी काफ़ी डर जाता है। वह काफ़ी देर तक पैदल चलता रहता है। चलते चलते वह एक छोटी लहर के पास आ जाता है, क्योंकि उसे काफ़ी प्यास लग रही थी। वह पानी पीने जाता है, लेकिन फिर अचानक रेगिस्तान में पहुँच जाता है और उसके मुँह में रेत भर जाती है। दूसरी बार जब वह फिर से पानी पीने वहीं जाता है, तो वह फिर से रेगिस्तान में पहुंच चुका था। वह समझ चुका था कि जब भी वह पानी पिएगा, रेगिस्तान में पहुंच जाएगा और उसके मुंह में पानी की जगह रेत होगी। वह फिर उठता है और उसी पानी की तरफ जाता है और पानी नहीं पीता। थोड़ा आगे चलकर रोड पर पहुंच जाता है और लिफ्ट मांगता है। तभी एक गाड़ी आकर रुकती है और वह गाड़ी में बैठ जाता है। तभी वह दूसरा आदमी उसे पानी की बोतल देता है। वह सोच रहा था कि बोतल में पानी पीने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वह जैसे ही बोतल से पानी पीता है, अचानक फिर रेगिस्तान पहुंच जाता है। वह फिर से उठता है और रोड पर जाकर उसी गाड़ी में बैठता है। अब वह गुस्से में कुछ नहीं बोलता और उससे चुपचाप गाड़ी चलाने को कहता है। तभी वह आदमी पानी की बोतल उसे फिर से देता है। इस बार वह पानी पीने से मना कर देता है, जिसके बाद वह आदमी अपने घर आ जाता है और थक हार कर सोफे पर लेट जाता है। तभी उसे नल से पानी की आवाज़ सुनाई देती है और वह आदमी गिलास में थोड़ा बर्फ डालकर उसे पीने के लिए तैयार कर लेता है। लेकिन वह काफ़ी डरा हुआ था, इसलिए वह कुछ बूंद बूंद पानी जीभ पर टच करके देखता है। अब उसे कुछ नहीं हो रहा था। तभी वह सारा पानी पी जाता है और बहुत ही खुश होता है, जिसके बाद वह नहाने के लिए स्विमिंग पूल में कूद जाता है और काफ़ी इंजॉय कर रहा था। लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। वह स्विमिंग पूल में नहाते नहाते अचानक से रेगिस्तान के अंदर से निकलता है। अब वह रोने लगा था और एक रोड के साइड में बैठा हुआ था और ख़ुद को कोस रहा था, जहाँ वह सोचता है कि उससे एक आदमी पानी पीने के लिए मांग रहा था, लेकिन उसने पानी उसे नहीं दिया था, तो इसलिए आज उसकी ऐसी हालत है। और तभी हमें एक औरत रोड के साइड से जाती हुई दिखाई देती है। वह आदमी उससे पानी मांगता है, लेकिन वह उसे इग्नोर करके चली जाती है। उस आदमी को पानी ना देने की वजह से वह औरत अचानक रेगिस्तान में पहुंच जाती है और यह फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।